हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ई नोट्स। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन पे, इससे पहले हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बात किया था, उसी टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल ला के देखते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक पाइप है हमारा जो ऐसे दो ब्रांच में बट गया है। ऐसा पाइप आप देखे होंगे कि ऐसे पाइप हमारा आ रहा है और ऐसे एक ब्रांच इधर चला गया और एक ब्रांच इधर चला गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऐसे, ये फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में आपका जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन पे दैट इज सेक्शन वन जिसे हम बोल रहे हैं, इस सेक्शन पे हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और डायामीटर जो है हमारे क्रॉस सेक्शन का वो है 30 सेंटीमीटर। सेम टू सेम इस सेक्शन को हमने 2 माना है। ठीक है, तो V2 हमारा दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्रॉस सेक्शन का डायमीटर भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये हमारा हुआ थर्ड सेक्शन। ठीक है, जिसका V3 हमें फाइंड करना है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, और D3 क्रॉस सेक्शन का डायमीटर क्या है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम होगा कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन के डायमीटर्स दिए हैं उनका एरिया निकालना, हर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखें D1 विच इज इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो इस क्रॉस सेक्शन इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाइप है, देयरफॉर पाई बाई 4। अब देखो 30 सेंटीमीटर है, मीटर में आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा 0.3 स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पाई बाई 4 डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.07068 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया वन आ गया। सिमिलरली D2 कितना दिया हुआ है, D2 देखो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर, और एरिया 2 हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 0.2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब D3 दिया हुआ है, D3 कितना दिया हुआ है देखो ध्यान से, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिस मीन्स 0.15 मीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई बाई 4 0.15 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.01767 मीटर स्क्वायर। एरिया 2, एरिया 1 एंड दिस इज एरिया 3। ये तीन हमारा एरिया हमारे पास आ गया। अब देखो हम जानते हैं जो डिस्चार्ज हमारा जहाँ से एंट्री हो और जो फ्लो जो फ्लूइड है जिस क्रॉस सेक्शन जिस सेक्शन से एंटर हो रहा है, तो जो रेट ऑफ फ्लो उस सेक्शन का होगा उतना ही हमारा बाहर भी निकलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। Q2 और Q3 से जो हमारा फ्लो निकल रहा है वो किसके इक्वल है, Q1 से जितना हमारा एंटर हो रहा है फ्लूइड पाइप में, लिख सकते हैं। अब देखो Q1 को हम लिखते हैं A1V1, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू Q2 को A2V2 प्लस Q3 को A3V3, लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आपके पास A1 है अभी हमने निकाला, और क्वेश्चन में यहाँ V1 भी दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास A2 भी है और V2 भी है, A3 भी है और V3 हमें फाइंड करना है। तो पूरा वैल्यू आप पुट करते हैं, हम पुट करते हैं A1 का वैल्यू। A1 हमारा कितना है, A1 हमारा है 0.07068 इंटू V1 कितना है 2.5 इज इक्वल टू, A2 कितना अभी हमारा A2 आया 0.0314, और हमारा V2 कितना है, V2 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्लस A3 कितना हमारा आया अभी, A3 0.01767 इंटू V3 हमें फाइंड करना है।
अब आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो जो आपका V3 आएगा वो आएगा 6.44 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने V3 कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट V3 एंड डिस्चार्ज। अब हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है। डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू AV होता है, हमें पता है डिस्चार्ज बोल लें या आप इसे रेट ऑफ फ्लो बोल लें। अब देखो किसके किसी भी सेक्शन के लिए, आप हम फॉर एग्जांपल A1 के लिए किसी के लिए भी निकाल के देखें, आपका इक्वल ही आएगा। तो हम निकालते हैं 1 के लिए, तो A1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू A1 कितना है आपका 0.07068 इंटू V1। V1 कितना है हमारा 2.5। Q1 आ गया आपका 0.1767 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा डिस्चार्ज में निकल गया। अब ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एट सेक्शन 3 जहाँ पे हमें V3 फाइंड करना था, V3 फाइंड करें और उसी सेक्शन का डिस्चार्ज बताएं, तो उस सेक्शन का डिस्चार्ज मीन्स Q3 विच इज इक्वल टू A3 V3। A3 हमारा कितना है 0.01767 इंटू V3 हमारा कितना है 6.44। इसे सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होगा हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, सब ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।